नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ही कार फैक्ट्स में। और आज आपके सामने है मारुति जिमनी का थंडर एडिशन। इस गाड़ी में टोटल दो वेरिएंट आते हैं, जीटा बेस मॉडल और अल्फा टॉप मॉडल, और दोनों ही मॉडल में थंडर एडिशन मिल जाता है। और भी इस गाड़ी में 2 लाख रुपए का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। बेस वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो उसमें 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप अल्फा टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलता है। और आज मैं हूँ जीवन मोटर्स अपोजिट आसिमा मॉल होशंगाबाद रोड भोपाल में, तो आप एक बार शोरूम में विजिट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो बड़े साइज का क्रोम का लोगो दिया गया है। दोनों साइड वर्टिकल बॉक्स मिल जाते हैं जिसमें क्रोम का यूज किया गया है। पूरा हेडलैम्प यूनिट मिल जाता है, इंडिकेटर दिया है, नीचे फॉग लैम्प दिया है, स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की, और पूरी ग्रिल देखेंगे ना तो ब्लैक कलर की है। पूरा अगर आप फ्रंट का व्यू देखेंगे ना तो ज़बरदस्त लगता है, इसमें कोई शिकायत नहीं कर सकते। पूरा बम्पर देखेंगे तो थोड़ा सा हैवी दिया गया है। बोनट एरिया के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा शानदार लगता है। और यही चीज़ है जिसकी वजह से इसको थंडर एडिशन बोलते हैं। ऊपर डुअल वाइपर और वॉफर का फिटअप किया गया है, जो अच्छी तरह से काम करता है। और यहाँ पे रूफ मिल जाती है, पूरी तरह से प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं मिलता। पीछे साइड में एक रेगुलर एंटीना दिया गया है। अब एक बार हम इसका पूरा साइड का व्यू देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना तो जो ग्राफिक लगे हुए हैं ना, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा शानदार लगता है, मस्कुलर लगता है। अब एक बार हम इस गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। 3985 mm इस गाड़ी की लंबाई है, 1645 mm चौड़ाई है, और 1720 mm हाइट है। साइड का पूरा व्यू देखेंगे ना तो गाड़ी बहुत ज़ोरदार लगती है। बड़े साइड का पूरा विंडो एरिया दिया गया है, पूरा बॉक्सी टाइप के डिज़ाइन है, देखने में अच्छा भी लगता है, और अंदर अच्छी खासी रोशनी मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है। अब एक बार हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो स्टील रिम मिलता है, एलॉय व्हील आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ज़ोरदार लगता है। 15 इंच का टायर है, और ऊपर देखेंगे तो ये एक चौड़ी क्लैडिंग दी गई है जो देखने में अच्छी लगती है। फेंडर पे इंडिकेटर है, और यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर कलर की ये एफिफ्रीज का ही पार्ट है, थंडर एडिशन में आता है। डोर एरिया के नीचे देखेंगे तो सिल्वर कलर की क्लैडिंग का यूज किया गया है, इसमें जिमनी लिखा हुआ है, अलग से हाईलाइट होता है। दोनों ही पीछे के डोर हैंडल देखेंगे तो मैट ब्लैक कलर पे दिए गए हैं, और यहीं पे आप की इंसर्ट करके गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। ये वाला पूरा एरिया देखेंगे ना तो यहाँ पे हर जगह आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर पे है और वाइट कलर पे है, चीज़ें तो बहुत ज़ोरदार लगती हैं। पूरा साइड का व्यू देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। पीछे वाले टायर में ड्रम ब्रेक मिलता है, आगे वाले में डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसका पूरा डिज़ाइन देखिए यार, स्टील रिम का बहुत शानदार लगता है। इतना अच्छा तो अगर मैं सच बोलूँ ना तो मुझे अलॉय व्हील वाला डिज़ाइन नहीं अच्छा लगता जितना इसका स्टील रिम का डिज़ाइन लगता है। कुछ इस टाइप से पूरा इसका रियर का व्यू है, चीज़ें आपको ज़ोरदार देखने को मिलेगी, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि कॉस्ट कटिंग करी गई है, भरपूर चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पूरा आपको जिमनी लिखा हुआ मिल जाता है, और व्हील कवर में भी देखेंगे जो स्पेयर व्हील लगा हुआ है इसको भी अच्छी तरह से कवर किया गया है, ये चीज़ें भी देखने में अच्छी लगती हैं। पूरी क्रोम पे ही जिमनी लिखा हुआ है। यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है, मैट पे वाइपर, डिफॉगर, ऊपर वॉफर, हाई स्टॉप माउंटेन लैंप, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 15 इंच का ही स्पेयर व्हील भी मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आल ग्रिप की यहाँ पे बैजिंग दी गई है, ये पूरी तरह से 4-व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है। यहाँ पे पूरा टेल लैंप यूनिट देखेंगे तो रिवर्स पार्किंग वाला लैंप, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट मिल जाती है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो अच्छी तरह से काम करते हैं। अब एक बार हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। अगर आप इसका डोर देखेंगे ना पीछे का तो अच्छा खासा वजनी फील होता है, इससे ये पता चलता है कि गाड़ी अच्छी काफ़ी मजबूत है। पूरा ही अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह से ओपन हो जाता है। नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया गया है, तो एक बार में ये बहुत झटके से ना तो बंद होगा और ना तो ओपन होगा, ये बहुत अच्छी बात है। अंदर 211 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है, ठीक ठाक साइज का है। ये पूरी तरह से ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है तो अच्छा खासा बूट स्पेस है। यहाँ पे लाइट मिल जाती है बूट पे, और यहीं पे चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर आप बूट इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 50-50 फोल्ड करने का रेशियो भी दिया गया है, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं पूरी तरह से, जितनी भी आपको ज़रूरत है उतना आप फोल्ड कर दीजिए और अपना सामान रख सकते हैं। और इसी के नीचे यहीं पे टूल किट भी मिल जाती है। अब एक बार इसका डोर बंद करते हैं। ये तो हो गई गाड़ी के पूरे बूट स्पेस की कहानी, पूरे बाहर के पूरे एक्सटीरियर व्यू की कहानी। अब एक बार हम ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। बाहर का जो पूरा डिज़ाइन है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ब्लैक कलर का है, और कोई भी दूसरा कलर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूरा ही हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। ओपनर देखेंगे तो ब्लैक कलर का, ये सभी चीज़ें फ्रिज का पार्ट है ये जो ब्राउन कलर का लगा हुआ है, और नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकर लगा हुआ है, ये भी अलग से हाईलाइट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, और स्पीकर मिल जाता है। अब एक बार इस गाड़ी का पूरा अंदर का माहौल देखिए, कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है जो अच्छा लगता है, प्रीमियम फील भी कराता है।
सभी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये सीट कवर लगा हुआ है, ये एसेसरीज का पार्ट है, लेकिन सीट आपको ज़बरदस्त मिलती है। अच्छी काफ़ी फैब्रिक वाली सीट दी गई है और इसी में आपको एयरबैग भी मिल जाता है। इस गाड़ी में 6 एयरबैग मिलते हैं। सीट की आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती है, सिर्फ हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी देखने में अच्छा लगता है। इधर साइड में देखेंगे तो सराउंडिंग में एसी नोब दिया गया है, नीचे आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, फॉग लैंप ऑन ऑफ करने के लिए और हेडलैम्प के लेवल को फिट करने के लिए। यहीं पे आप ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड हाथ से ही करना पड़ेगा। और नीचे ABC पैडल मिल जाता है। यहीं पे ऊपर बोनट ओपन करने के लिए दिया है और नीचे फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको एक एक करके सारे फीचर्स बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे आप इसका डोर बंद करेंगे तो ये आवाज़ सच में बहुत प्यारी लगती है। आप एक बार शोरूम में विजिट करके ये सभी चीज़ें फील करिएगा। सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। सीट तो अच्छी खासी फैब्रिक में है, बहुत आरामदायक है। स्टीयरिंग व्हील का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो ये भी देखने में अच्छा लगता है। बीच में लोगो मिल जाता है, सराउंडिंग में भी क्रोम का यूज किया गया है। दोनों साइड हॉर्न है और नीचे एयरबैग दिया गया है। इधर मिल जाता है पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल और नीचे टेलीफोनिक का कंट्रोल है। यहाँ पे पूरा सिल्वर कलर का यूज किया गया है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर पूरा कवर लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। पूरा आगे क्लस्टर देखेंगे तो इससे आपको जिप्सी की याद आ जाएगी। ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इधर वाइपर का कंट्रोल है और इधर देखेंगे तो पूरा हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए और इंडिकेटर का कंट्रोल दिया है। यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आता है। नीचे हजार बटन है, दोनों साइड AC नोब के डिज़ाइन है और यहीं पे नीचे पूरी तरह से मैनुअल AC दिया गया है। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल भी मिल जाते हैं, कुछ बटन दिए हैं, जैसे आगे वाले पावर विंडो के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिफेंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे चार्जिंग का सपोर्ट है और मोबाइल भी रख सकते हैं। यहाँ पे USB का है और इधर साइड में 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, क्रोम की टिप के साथ, देखने में प्रीमियम लगता है। और यहीं पे 2 हाई 4 हाई और 4 लेन सेलेक्ट करने के लिए लीवर मिल जाता है। ब्लैक टिप के साथ हैंड ब्रेक दिया है। पीछे के पावर विंडो के कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाते हैं और यहीं से आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। पीछे देखेंगे तो 2 कप होल्डर या आप बॉटल कुछ भी रख सकते हैं। ऊपर डे नाइट वाला मैनुअल IRBM है। बीच में कैबिन लाइट मिल जाती है हैलोजन में। और इधर देखेंगे तो वैनिटी मिरर भी मिल रहा है ड्राइवर साइड, ये बहुत अच्छी बात है। और को ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी मिरर दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इधर देखेंगे तो पूरी तरह से ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखता है, पूरी तरह से रगेड फील कराता है। हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया, यहाँ पे हैंडल मिल जाता है क्योंकि ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है। नीचे देखेंगे तो डिफेंस फाइट का ग्लव बॉक्स भी दिया है जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब एक बार इस गाड़ी की सेफ्टी की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 6 एयरबैग दिए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड पे, 2 सीट के ऊपर मिल जाते हैं और 2 आपको कर्टन एयरबैग मिल जाते हैं। उसके साथ ABS+EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिफेंड कंट्रोल, ये सारे भी फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो होगी गाड़ी के ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की पूरी कहानी। अगर अंदर देखेंगे ना तो ये गाड़ी पूरी तरह से मजबूत फील होगी, पूरी तरह से ऑफ रोडिंग टाइप की गाड़ी लगेगी। तो इसमें लग्जरी फीचर्स नहीं मिलते हैं लेकिन ये पूरी तरह से ऑफ रोडिंग वाले फीचर्स मिल जाते हैं। और पूरा अगर इसको आप बंद करेंगे ना, जो आवाज़ आती है ना, इससे पता चलता है कि ये गाड़ी कितनी मजबूत है। पीछे का डोर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको आगे की तरह सारी चीज़ें मिल जाती है, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा उसी टाइप से कलर थीम मिलता है। 4 स्पीकर मिलते हैं इस गाड़ी में, चारों ही डोर पे, और म्यूजिक क्वालिटी ओके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की पूरी सीट देखेंगे तो ये भी फैब्रिक में दी गई हैं, ये कवर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं। सभी एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पूरी अगर इसमें स्पेस देखेंगे तो अच्छा खासा मिल जाता है, चाहे आप इसका पूरा रिक्लाइन सपोर्ट देखें, थाई सपोर्ट देखें, सभी चीज़ें अच्छी दी गई हैं। ऊपर एक कैबिन लाइट आपको बीच में भी मिल जाती है, एक आपको आगे मिलती है, तो अच्छी काफ़ी रोशनी भी मिल जाती है। पूरा लेग रूम देखेंगे, नी रूम देखेंगे तो भरपूर मिल जाता है। कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखेगा अगर आप पीछे बैठेंगे तो। पूरी तरफ अगर ये गाड़ी देखेंगे ना तो अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा व्हील बेस भी दिया गया है। ये तो हो गई गाड़ी के अंदर और बाहर की पूरी कहानी। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो इंजन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें K15B सीरीज का BF6 Phase 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और इसमें 103 BHP की मैक्सिमम पावर और 134 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन से लगभग 17 KMPL की माइलेज भी क्लेम की जाती है। तो ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बात करें तो थंडर एडिशन देखने में बहुत ज़ोरदार लगता है। इसमें कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं, कुछ ग्राफिक्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसकी सुंदरता पे 4 चांद लग जाते हैं। अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है,
सिक्स एयरबैग दिए हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी सेफ्टी भी मिल जाती है। तो जो लोग हमेशा बोलते थे कि जिमनी बहुत महंगी है, तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो ये सही मौका है गाड़ी खरीदने के लिए। तो आप शोरूम में विजिट करिए और इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।